हमें डाला है सुखा इधर भांडा कुंडा क्या खंड धरें चाहिए हमें पंचायत घर कैसे चाचा राम राम हाँ चाचा ठीक चा पे जा चाचा अच्छा अच्छा आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोंखाल ब्लॉक के खितोटिया नामक गांव से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये है प्रातःकालीन बेला और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बजे। जैसा कि मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि पहाड़ों में हम लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जब जल्दी उठ जाते हैं तो जो प्रत्येक कार्य होता है वो समय से पूरा हो जाता है। 7:30 और 8 बजे के बीच में हम लोग नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद माँ जी गौशाला में गई, फिर जो गाय थी उनको अंदर बांध करके और अब खेत में घास के लिए जा चुकी है। पिताजी भी खेत में जा रखे हैं, जो सेम की फलियाँ होंगी छीमी रयास उनको टीपने के लिए, टीपना मतलब उनको कलेक्ट करने के लिए। और मैं हूँ अभी अपने घर में और ये है पहाड़ की पृष्ठभूमि में हमारा प्यारा सा घर। लाइट पड़ रही है इधर से तो फेस आ रहा है बिल्कुल ब्लैकिश, तो हम मुड़ जाते हैं इधर को। ये है हमारा नारंगी का पेड़ और ये देखिए नारंगी लग रखी है खूब, छोटी छोटी हैं लेकिन खूब हो रखे हैं। और जो आज की ड्यूटी है, आज की ड्यूटी कुछ इस तरह से है कि जो ये नीचे का रूम है किचन का रसोई घर का, इसकी सफाई मैंने परसों कर ली थी, अच्छी तरह से लिपाई कर ली थी। और आज जो ऊपर का कमरा है उसकी सफाई करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, तो उसी की तैयारी हो रही है। सुबह मिट्टी भी भिगा दी थी इस बड़े से पतीले में और एक गाय का गोबर आ रखा है। पहले मैं कर लेता हूँ अंदर की सफाई और उसके बाद होगी वहाँ लिपाई। तो ये है हमारा बैठक का कमरा, तो इसकी सफाई करेंगे। मई जून में यहाँ लिपाई की थी और उसके बाद पूरे बरसात के सीज़न में लिपाई नहीं हुई। माँ पिताजी को भी इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो झाड़ू पोछा या लिपाई पुताई कर पाएँ, क्योंकि गौशाला में गायें हैं, माँ को घास भी लाना पड़ता है, फिर घर में खाना भी बनाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि 70-75 साल की उम्र में भी वो लोग इतनी अच्छी तरह से यहाँ पहाड़ में सर्वाइव कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो जब भी मुझे समय मिलता है मैं गाँव में आता हूँ और जितने भी घर के छोटे मोटे काम रहेंगे उनको पूरा करके फिर शहर की ओर चला जाता हूँ। तो आज भी कुछ इसी तरह का काम है, तो अभी पहले यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू और उसके बाद करेंगे यहाँ लिपाई। वक्त निरंतर बीतता रहता है लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छी यादें दे जाता है। ये देखिए 2006-07 की ये ट्रॉफी है HNB सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल की। उस समय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था लेकिन जो वहाँ पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती थी मैं उनमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया करता था। तो ये देखिए ये है तब की ट्रॉफी। तो उस समय मुझे 10 या 11 ट्रॉफी मिली थी उस साल में, 6-7 में एक साथ ही बहुत सारे प्रोग्राम किए थे, नाटक किया था, माइम किया था, काव्य पाठ किया था। तो जो इसके साथ की बाकी ट्रॉफी हैं वो काशीपुर में हैं
और यहाँ केवल ये हैं और इसके साथ एक दो और हैं। तो एक रूम की लिपाई हो गई कंप्लीट, बिल्कुल चकाचक हो गया। जितनी धूल मिट्टी थी सब निकाल ली और गोबर और मिट्टी से अच्छी तरह से इसको लीप दिया गया है। ये देखिए तो अच्छा लग रहा है अब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जय जय श्री राधे। तो ये हो गई दूसरे कमरे की लिपाई। ऊपर के जो दो कमरे हैं ना, उनमें से एक की लिपाई तो कंप्लीट हो चुकी है और अभी चल रहा है दूसरे का समापन समारोह। आहा, बड़ा सुकून मिल रहा है आज इस कार्य को पूरा करके ना, क्योंकि माँ जी पिताजी को इतना समय नहीं मिल पाता भाई, पूरा दिन लग जाता है इसकी सफाई करने में। आहा, चकाचक लिपाई है, देखो सही लग रहा है ना, मस्त। अभी टाइम हो गया है 11:15 बजे और ऊपर के जो दो कमरे हैं ना हमारे, उनकी तो मैंने लिपाई कर ली है अच्छे से, पूरी लिपाई। और जो कुछ मसाला बच रखा है अभी, ये देखिए इसमें बच रखा है पतीले में, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं गालण। गालण मुझे नहीं लगता कि आप इसका सही से उच्चारण कर पाएंगे, यदि आप पहाड़ी पृष्ठभूमि से होंगे तो आप इसका उच्चारण सही से कर पाएंगे गालण। और यदि आप हिंदी में बोलेंगे ना इसे, तो फिर आप इसको लिखेंगे गालण। गालण और गालण में अंतर आ जाता है। तो ये जो गालण है, इससे अभी हम वो नीचे का कमरा है ना जो, उसकी लिपाई कर देते हैं थोड़ा बहुत, मतलब पूरा तो करना नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत। ये हमारा स्टोर रूम है तो यहाँ पे झाड़ू लगा रखा है और इतनी कर देते हैं बस, इतना सा हल्का सा। कुछ समय पहले जब शहरों में टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहे थे ना, तो उस समय हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र में टमाटरों की पैदावार तब भी हो ही रही थी। और इस तरह के टमाटर यहाँ होते हैं और इसके अलावा होते हैं झड़ो टमाटर। तो ये देखिए कितने अच्छे टमाटर हैं, ये शानदार। और सबसे बड़ी बात क्या है, ऑर्गेनिक। तो अब हम करते हैं दोपहर के भोजन की तैयारी। माँ पिताजी भी खेत से आ चुके हैं, नीचे हैं, अभी पंदेरे तक पहुँचे हैं, तो उनके घर आने से पहले ही भोजन तैयार हो जाता है और फिर वो लोग आएंगे, उनके लिए कुछ ठंडा पानी बनाऊंगा ग्लूकोज का और उसके बाद हम करेंगे भोजन। तो सबसे पहले करते हैं खाने की तैयारी। तो ये टमाटर भी डाले जाएंगे उसमें, दाल में, मज़ा आ जाएगा आज तो। तो ये बन गया ग्लूकोज का ठंडा पानी। या फिर पानी पी ले ले बा, ठीक बोनो चार दो तीन दिन ले। और ये आके से संतोष ठीक थी ये मेरे लिए। खाना भी हो गया तैयार। माँ जी अभी दिल्ली दीदी के साथ बात कर रही है, मेरी बड़ी दीदी। इनने मत धुया छे ना ना धुया छे। हां हां ये तो धुया छे, सब सब धुएली मिल हम डाला है सुखा। इधर का भांडा कोंडा के खंड धरया छे हम पंचायत घर कस हैं तका क्या पंचायत सीधे टोल भी धरियो कसर धरियो छे कसे टोल भी तिली ठोकला धरया ये पतला भी धरियो भात बनाना खंड तिली गाडो टोल हैं ये परत धरियो भात बटाना खंड इनने में धुई लेते चलता मैं ले ले। तो अब खाना भी खा लिया है, बर्तन भी धुल चुके हैं, माँ लास्ट बदली धो रही है अभी, लास्ट में बच रखी थी जो। डुगू यार नहीं आती थे थे रे पता क्या कारण, तेरा गोड़ा भैंसा भी तो होगी है ना, मजबूरी छ मारी वो नगर उड़ाने सोंते एक बार चुप उड़ा के देख आमने आराम की
चल वीडियो तो देखने ही से तो आजकल रोज वीडियो आजकल देखो तो प्यार के भी फोन में देख तो सब हां हां भेज ही देना हम और बड़ वीडियो तो ना चलो कोई बात नहीं अभी वीडियो भी देखा तब तक बड़ भी हो जा लो जरा से है ना तब आ जाएगा डुग्गू भी दादा दादी से मिलने के लिए गांव में कौन लिपि माया तो पहले दिन तो बता है बोल लगन नहीं जरा खेड़ हुए एक बीजा चल आराम कर तो अभी एक चटनी बिछाना अभी गिल्लू ही होना थोड़ा सूख जाल तब बिछूला इस कैरे में पूरी घास जम रखी थी तो इतनी तो मैंने कल उखाड़ दी साफ कर दिया इतना आज शाम को इधर भी कर देंगे साफ और इसमें बोई जाएगी राई और ये इस क्यारी में जम रखी थी बहुत घास तो अभी टाइम हो गया है शाम के 4:30 बजे और माँ जी भी चली गई है गौशाला में पहले गायों को बाहर निकालेगी उसके बाद घास के लिए जाएगी पिताजी भी जाएंगे शायद कुछ देर में खेत में और मैं बनाऊंगा इधर क्यारी इस वाली क्यारी का तो पूरा घास उखाड़ दिया है अब एक दो दिन इसको सूखने देंगे उसके बाद इसमें लहसुन बोएंगे फिर और एक क्यारी ये है छोटी सी तो इसमें भी उधर से घास उखाड़ दिया है उतना अब ये बीच वाला हिस्सा रह रखा है इसको भी साफ़ करेंगे इधर से भी साफ़ कर दिया है और अभी समय हो रहा है शाम के 5:15 बजे और ये ठीक सामने आप हमारा गांव देख सकते हैं बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं घरों में बहुत कम क्योंकि जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है और ये है हमारा घर तो आज रात की सब्जी में बन रही है मूली की थिचोड़ी थिचोड़ी मतलब लिक्विड नहीं बनाएंगे ऐसे ही मूली को कूटेंगे और उसके बाद बनेगी इनकी स्वादिष्ट सब्जी मूलियाँ थी अभी उखाड़ी बाहर से ना थोड़ी देर पहले तो इनकी थिचोड़ी बढ़िया हो जाएगी सुर्रा नहीं बनाना मतलब इसमें ऐसे ही लपटाएंगे घी में बस दो दो रोटी खाई और प्रभु के गुण गाओ उसके बाद टुप टाप सो जाओ भाई तो अभी टाइम हो गया है 6:37 और माँ जी भी गौशाला से घर में पहुँच चुकी है और घर में पहुँचते ही माँ को चाहिए गर्मा गर्म चाय पूरे दिन भर की थकान जो मिटा दे तो ये हो गई चाय रेडी और इसमें बनाएंगे हम सब्जी घ्यू नहीं रे तेल धरियो तेल तेल च तेल मिलवा लो लोग समझना वाला का कि घ्यू धरियो छ घ्यू भी तो चल मैं चाय धर देती कण गिलास भी दे दे छन्नी भी दे दे तो हो गई हमारी चाय रेडी अब चाय पीते हैं उसके बाद आटा गूंथता हूँ मैं सब्जी बना देता हूँ फिर माँ बनाएगी रोटी देर में मैं साग धरण है क्या बनाना पटुड़ा क्या आपने खाए कभी पटुड़े ये हो गया तेल गरम अब इसमें डालेंगे मूली तो चलिए अब आज के इस ब्लॉग को हम कर रहे हैं यहीं पर समाप्त तो अभी ठीक टाइम हो गया है 9:03 हमने रात का खाना भी खा लिया है दूध के गिलास अंदर जा चुके हैं कमरे में और अब दूध पियेंगे और उसके बाद हम आराम से चैन की नींद सो जाएंगे तो चलिए आज के इस ब्लॉग को कर रहे हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नए ब्लॉग के साथ